हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल के कंप्यूटर हब। तो आज हमारे पास डेल का लैपटॉप है जिसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि न्यू लैपटॉप में कैसे SSD अपग्रेड करते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले इसका मॉडल नंबर बताते हैं। ये वॉस्ट्रो 3400 इसका मॉडल नंबर है। ये i5 11th जनरेशन का ये लैपटॉप है। इसमें 1 TB हार्ड डिस्क और 8 GB इसमें रैम लगा हुआ है। तो सबसे पहले आइए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको बताएंगे कि न्यू लैपटॉप में SSD कैसे अपग्रेड करते हैं। आइए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा लैपटॉप है। यहाँ पे हमारा सेलो टेप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, हमने खोल लिया। यहाँ से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, ऊपर में इसका चार्जर और इसका पावर केबल दिया हुआ है। हम इसको साइड निकाल के रख देंगे। ये देखिए कितना अच्छे से इसको कवर किया हुआ है हमारे लैपटॉप को, कुछ मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे लैपटॉप में कुछ मतलब कुछ ऐसा कुछ टूटे फूटे ना। ये देखिए, ये भी कवर किया हुआ है। तो आइए हम लैपटॉप निकालते हैं। अब ये लैपटॉप 14 इंच का लैपटॉप है। ये देखिए, हम इसको साइड निकाल दीजिए। ये देखिए हमारा लैपटॉप है। आइए हम इसको खोलते हैं। ये देखिए, पीछे में यहाँ सेलो टेप लगा हुआ है। हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है। हम उसको नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारा लैपटॉप इजिली निकल जाएगा। ये देखिए हमारा लैपटॉप है। इसमें डेल की कितनी अच्छी सी इसकी ब्रांडिंग दी हुई है। आइए हम आपको इसको ओपन करके अब दिखाते हैं आपको। आइए हम आपको अब बताएंगे कि इसके साइड में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारा चार्जिंग लगाने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ हमारा HDMI केबल लगाने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ LAN केबल लगाने के लिए बना हुआ है। हमारा 2 USB का पोर्ट दिया हुआ है। 3.5 का यहाँ ऑडियो जैक दिया हुआ है। हम ये अब हमारा दूसरा साइड हुआ। यहाँ SD कार्ड रीडर लगाने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। 3.0 का यहाँ USB बना हुआ है, पोर्ट बना हुआ है। तो आइए हम इसमें SSD कैसे अपग्रेड करते हैं हम आपको ये बताएंगे।
आपको बताएंगे कि कैसे न्यू लैपटॉप में SSD लगाते हैं। ये रहा हमारे पास SSD 256 का SSD है। तो आइए हम आपको अब बताते हैं कि SSD कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इसको पीछे करेंगे, बैक साइड करेंगे। यहाँ पे जितने सारे स्क्रू दिए हुए हैं हम सबको खोल लेंगे। आप ध्यान से खोलिएगा क्योंकि ये न्यू लैपटॉप है, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। देखिए हमने इधर का सारा स्क्रू खोल दिया है, बस हिंज के पास का हमने 2 स्क्रू छोड़ दिया है। ठीक है, इसको भी हम खोलेंगे बट इसको हम पूरा नहीं खोलेंगे, मतलब हम स्क्रू पूरा खोलेंगे बट हम इसको निकालेंगे नहीं। ये देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे हिंज के पास का स्क्रू खुल गया है। तो ये देखिए यहाँ पे खुद से वो उठ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, दिख जाएगा कि हमारा स्क्रू खुल गया है। ठीक है, आपको स्क्रू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। हमारे पास न्यू लैपटॉप है तो हमको बहुत ध्यान से खोलना है, तो आप हड़बड़ी मत कीजिएगा। ये देखिए हमारे साइड में जो ये उठा हुआ था हम वहीं से खोलना शुरू करेंगे। ये देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बस पुश करना पड़ता है, ये खुलते जाएगा। एकदम नॉर्मल हाथ से खोलिएगा, नहीं तो ज्यादा हड़बड़ी से खोलेंगे तो कुछ डैमेज भी हो सकता है। देखिए बहुत इजीली तरीके से खुल गया, ज्यादा कुछ नहीं करना रहा। अब अपना SSD को खोलेंगे। ये M.2 का SSD है। ये देखिए यहाँ पे हमारे देखिए SSD का यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। जिसको भी पता ना हो कि उसका SSD का स्लॉट कहाँ पे रहता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है SSD, वो तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा 11th जनरेशन का लैपटॉप है, तो इसमें NVMe ही SSD सपोर्ट करेगा, अदर SSD सपोर्ट नहीं करेगा। आप अदर SSD लगाते हैं तो वहाँ पे वो शो नहीं करेगा। अब आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे लगाते हैं इसको। देखिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, हम स्क्रू को खोलेंगे। ये देखिए हम स्क्रू को खोल लिए। यहाँ पे देखिए SSD कटिंग दिया हुआ है यहाँ पे, और देखिए हमारे SSD में भी कटिंग दिया हुआ है। तो हमको ज्यादा कुछ नहीं करना रहता है, हमको बस कटिंग के हिसाब से SSD को लगाना रहता है। ये देखिए हम लगा दिए, अब हम स्क्रू को लगा देंगे। ये देखिए हमारा SSD लग गया, अब हम इसके कवर को लगा देंगे। इसको थोड़ा सा उठा लीजिएगा आप लोग, साइड साइड में इसको दबाते जाइएगा तो ये कवर भी इजीली लग जाएगा।
ये देखिए लग गया। ये देखिए हम लगा दिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये हमारा न्यू लैपटॉप है, तो सबसे पहले इसमें हमको पावर केबल लगाना होगा, तभी ये लैपटॉप ऑन होगा। हमारा जो भी लैपटॉप रहता है सबसे पहले न्यू रहता है, तो हमको पावर केबल लगाना जरूरी होता है, तभी वो ऑन होता है। तो ये रहा हमारा ये पावर केबल है और ये हमारा अडैप्टर है। तो हम इसको पहले खोलेंगे। ये हम खोल लिए। ये देखिए हम इसको पावर केबल को इसमें अडैप्टर में लगा देंगे। ये देखिए ऐसे लगाते हैं। अब हमें पावर दे देंगे। अब हम पावर केबल को लगाएंगे। ये देखिए हम पावर केबल को लगा दिए। अब हम लैपटॉप ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पावर बटन दिया हुआ है, हम ऑन करेंगे। हमने अभी SSD अपग्रेड किया है, तो ये थोड़ा सा ऑन होने में टाइम लग रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि SSD क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम इसका रिप्लाई आपको देंगे। या इस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना सकते हैं कि SSD क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको हम कौन से लैपटॉप में या कौन से डेस्कटॉप में लगा सकते हैं, यूज़फुल है या नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है।